पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माय बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किसका? खंडर बने सरकारी आवास, नहीं हो रहा रखरखाव, अधिकारियों को करना पड़ता है दिक्कतों का सामना। लांजी तहसील मुख्यालय पर बने दर्जनों सरकारी आवास समय पर सुधार न होने से खंडर हो गए हैं। आलम यह है कि सरकारी भवनों में लगी कीमती सामग्री, खिड़कियां, दरवाजे तक गायब हो चुके हैं। भवनों की दुर्दशा सुधारने ना तो जिम्मेदारी विभाग ध्यान दे रहा है और न ही इन भवनों में रहने वाले कर्मचारी फिक्रमंद है। धीरे धीरे ये भवन जर्जर होते जा रहे हैं। लगातार खराब हो रहे भवनों के कारण सरकारी कर्मचारियों को मुख्यालय में आवास भी नहीं मिल पा रहे हैं। वर्तमान में लांजी नगर के सारे सरकारी आवास खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ना तो रख रखाव और नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिजली खंडन उमा भवन में लगे चौखट दरवाजे की लकड़ी का जरावन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वर्षों से यह आवास में साफ सफाई भी नहीं हुई है, जिसके कारण इन आवासों की स्थिति जर्जर खंडर हो चुकी है। जानकारी के अनुसार सरकारी आवासों में लगी खपरेले कीमती लकड़ियां, दरवाजे, खिड़की चोरी जा चुके हैं। वही भवनों के आसपास कटीली झाड़ियां भी उग आई है। यही स्थिति पशु अस्पताल के पास बने भवनों की भी है। ऐसे जो लंबे समय से सुधार कार्य न होने से खंडर जैसे हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग अंतर्गत बने इन सरकारी भवनों की सूद लेने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते ये भवन लगातार जर्जर हो रहे हैं। वहीं बताया गया है कि साले टेकरी रोड स्थित पशु चिकित्सालय के समीप बने शासकीय आवासों में असामाजिक तत्वों द्वारा अंधेरा होते ही जमावड़ा लग जाता है। सर, जैसा कि लांजी में अधिकारियों के लिए आवास का काम था और आवास बने भी थे, जो अभी खंडर स्थिति में जैसे आने जाने आप लोगों को देने के लिए असुविधाएँ हो रही, आने जाने का सामना करना पड़ रहा है, सर इसमें आपका क्या कहना है? लांजी में ये तो बात सही है कि यहाँ पे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि SDM हो गए, तहसीलदार हो गए, जनपद CEO हो गए, बाकी भी हमारे अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार हैं, किसी के लिए भी रहने की सुविधा नहीं है। तो इससे बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और पुराने जो क्वार्टर्स बने थे वो बहुत बदहाल स्थिति में, इस संबंध में हमने माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया है। तो भविष्य में अगर किसी भी फंड से अगर वो बन सके तो उसकी हमारी कोशिश है। कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ठीक।